وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وَإِذَا مُصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين برج سامعین جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب مصیبت آئے تو قالو انا للہ و انا الیہ راجعون کہو اس دنیا کے اندر ہر وجود کو دو چیزوں میں سے گزرنا پڑتا ہے دکھ میں یا سکھ میں نعمت میں یا ذمت میں عزت میں بھی ذلت میں بھی خوشی میں بھی پریشانی میں بھی یہ دنیا بنائی ہی اس پیٹرن پر ہے کہ دکھ اور سکھ میں سے ہر ایک نے گزرنا اگر دکھ نہ ہوتا تکلیف نہ ہوتی پریشانی نہ ہوتی تو خدا کی طرف کوئی بھی نہ آتا سب اس کو بھول چکے ہوتے مثلا بچے کو ماں کے رحم میں کون حمل ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے بہت سے میاں بیوی ٹھیک ہیں بچہ نہیں پیدا ہوتا اس بچے کی ماں کے پیٹ میں حفاظت کون کرتا ہے اگر وہ پسند نہ کرے تو مس کیرج ہو جائے ابارشن ہو جائے مہینے میں دو مہینے میں چار مہینے میں چھ مہینے جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آ جاتا ہے اس کو زندگی اور اس کی حفاظت کون کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہی تو کرتا ہے اگر وہ نہ چاہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی ایک دو سانس لے اور وہ ختم ہو جائے ایسا ہوتا ہی ہے جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے ہر کوئی اس کو اپنا لیتا ہے ماں کہتی ہے یہ میرا بیٹا ہے دادا کہتا ہے یہ میرا پوتا ہے پھوپھا کہتی ہے میرا بھتیجا ہے خالہ کہتی ہے میرا بھانجا ہے نانی کہتی ہے میرا نواسا ہے سب اسے اپنا لیتے ہیں اور وہ جس نے بھیجا جس کا ہے اس کا کوئی نام بھی نہیں جس نے بھیجا ہے جس کا ہے اس کا کوئی نام بھی نہیں بھول جاتے ہیں خوشی میں ہی بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے اور بچے کے جو بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہوتا ہے میں ان کا ہوں یہ میرے ہیں یہ میری امی ہے یہ میری نانی ہے یہ میری دادی ہے یہ میرا پاپا ہے بچہ ان میں گم ہو جاتا ہے وہ بچے میں گم ہو جاتے ہیں خدا غائب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پھر اپنی یاد دہانی کے لیے کیا کرتی ہے وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے اس کی ٹریٹمنٹ میں مصروف ہو جاتی ہے اہل خانہ
कोई यादव खान ले जाता है, कोई नेशनल जाकर हॉस्पिटल ले जाता है। जब सब हॉस्पिटलों के चक्कर लगाता है, एक वक्त आता है डॉक्टर कहते हैं बस इसको ले जाओ घर पर दवाई करो। फिर क्या करते हैं, सब बैठ जाते हैं पुराने पाक खोल कर, कोई खजूरे बिछाकर आयते क्रीमा का वृद्ध करना शुरू कर देते हैं, कोई तलाब के पुराने पाक करवाते हैं, कोई दुआएं मंगवाते हैं मसाजिद में, कोई खाने काबे में, कोई पीरों के पास, कोई उलमा के पास, कोई हल्का अहबाब में कहते हैं दुआएं करो। वो जो बूढ़ा हुआ था वो किस चीज ने याद करवा दिया सबको, मुसीबत में तकलीफ ने, मुसीबत और तकलीफ अब यह खुदाबंदी है और कुदरत अपनी याद दहानी करवाती है। तकलीफें मुसीबतें दुख नाकामियां शिकस्तें जिल्लतें नुकसानात मुखालफतें नाकामियां कारोबार में घाटा हो जाना, नौकरी से फारग हो जाना, नौकरी का खतरे में पड़ जाना, सेहत डैमेज हो जानी, वालदा का बीमार हो जाना, ये वो हसीन जंजीरें हैं जो अल्लाह ताला बंदे के नफ्स को पहनाकर रुख अपनी करता है। ये जबरो कहर नहीं, ये तो इश्को मस्ती है कि जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां वाली। अगर ये जुर्म होता तो सारा जहान मिट चुका होता, लेकिन हम देख रहे हैं कि जलजलों के बावजूद, सैलाबों के बावजूद, बीमारियों के बावजूद, जंगों के बावजूद, कहर के बावजूद इंसानी आबादी बढ़ रही है। ये जबरो कहर नहीं, ये तो इश्को बस्ती है। जबरो कहर से मुमकिन नहीं जहां वाली, तेरी हर जफा नायत, तेरा हर सितम कर्म है। ये सितम सितम नहीं है, कर्म का है तुम्हारा। साहिब उलम में तकलीफों में एक होती है जहमत, एक होती है नेमत। बेटा नेमत है, अगर इसकी तरबियत अच्छी ना करो, ये बुरी सोसाइटी में जाना शुरू कर दे, नशा करना शुरू कर दे, डाके चोरियां करना शुरू कर दे, थी तो नेमत लेकिन तर्ज अमल ने जामत बना दी। गाड़ी नेमत है, एड दी डोर स्टेप आपको उठाएगी, जहां जाना है वहां पहुंचा देगी, लेकिन अगर इस गाड़ी का मिस यूज करें शराब नोशी के लिए, दोस्तों को ले जाएं, अगर इसमें फोहश औरतों को बैठाकर रंग रलियां मनाने के लिए ले जाएं, अगर इस गाड़ी को डाका धनी चोरी के लिए इस्तेमाल करें, तो गाड़ी है तो नेमत लेकिन मिस यूज की वजह से एक्सीडेंट हो गया और सारी सवारियां और घर के मालिक खराब हो गए। थी रहमत मगर मिस यूज ने इसको रहमत बना दिया। मकान नेमत है, इसके नीचे बैठकर अल्लाह की इबादत कर सकते हैं, जिक्र फिक्र कर सकते हैं, लोगों को जिक्र की ट्रेनिंग दे सकते हैं, लोगों को अच्छे कामों की तरगीब दे सकते हैं, अपने घर को कुरान की तिलावत के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए यूज कर सकते हैं। ये नेमत है मकान, लेकिन अगर इसको मिस यूज करें शराब नोशी के लिए, एडल्ट्रेशन जनाब के लिए, डाका धनी का सामान छिपाने के लिए,
अचानक मकान की छत गिर गई और मालिक मकान और उसकी बीवी और बच्चे उसके अंदर आकर हलाक हो गए। थी तो नेमत मगर मिस यूज करने की वजह से जहमत जो नेमत खुदा से दूर कर दे, खुदा को बुला दे, वो नेमत जहमत बन जाती है। और जिस जहमत में, तकलीफ में, मुसीबत में आप अपने गुनाहों की तौबा कर लें और खुदा की याद की तरफ बढ़ जाएं, वो जहमत रहमत बन जाती है। रहमत आई, बीमारी आई, तो खाया, घाटा पड़ा, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपने खुदा की याद में अजाफा कर दिया। बेनमाजी थे, नमाजी हो गए, बेशरा थे, बाशरा हो गए, बदकिरदारी करते थे, उससे तौबा कर ली। हर वो मुसीबत जो खुदा के करीब कर दे, वो जहमत रहमत बन जाए। नेमत को जहमत बनाना, जहमत को नेमत बनाना, ये इंसान के अख्तियार में दे दिया गया। अपने तर्ज़े अमल से नेमत को जहमत बना लेता है और जहमत को नेमत बना लेता है। यही इसका इसका टेस्ट है और इस टेस्ट में इसको सुरखरू होना चाहिए। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पैगंबर हुए हैं बनी इसराइल में, कमोबेश एक लाख पैगंबर हुए हैं, उनमें से एक हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम भी हुए हैं, जिनके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, बागो बहारें थी उनकी, माल मवेशी थी उनके, मकानात थे, औलादे औलाद थी, बेटे थे। अबलीस ने कहा, या अल्लाह, अगर ये बंदा तेरा तुझे याद करता है तो इसकी इसकी फसलें और खेतियां और बाग भी तो लहला रहे हैं। अल्लाह ताला ने कहा, ओके, हम इसके बाग तबाह कर देते हैं। बाग तबाह कर दिए, फिर भी ये अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह की याद में लगे। फिर मिस्टर अबलीस ने कहा, डेवल ने, कि ज्यादा इसके जानवर तो हैं, मवेशी तो हैं, इतने ज्यादा फार्म है, कैटल फार्म। अल्लाह ताला ने वो सारे जानवर मार दिए, लेकिन देखा कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम और अल्लाह की याद में मसरूफ है। फिर कहा, क्या हुआ है, इसके बेटे तो हैं नौजवान। फरमाया, हम इसके बेटे भी मार देते हैं, बेटे हलाक कर दिए। फिर देखा कि वो और भी ज्यादा अल्लाह की याद में। फिर कहा, क्या हुआ, इसकी अपनी सेहत तो अच्छी है। अल्लाह ताला ने कहा, ओके, हम इसके जिस्म में कीड़े डाल देते हैं, इसको बीमारी में मुब्तला करते हैं, जिस्म इसका गाल देते हैं, जिस्म गल गया, जबान पर कीड़े पड़ गए, और जो कीड़ा गिरता था उसको उठाकर फिर अपनी जबान पर रख लेते थे कि तेरा रिज़्क तो इस तरफ है, तू कहाँ जा रहा है। जफा बढ़ती गई, वफा बढ़ती गई, जफा बढ़ती गई, ये जबरो कह नहीं, ये तो इश्को मस्ती है। जफा बढ़ती गई, वफा बढ़ती गई, 10 साल तक इस अजमैश में से गुजरने के बाद जिब्रील अमीन को भेजा और कहा, मिस्टर जिब्रील, अय्यूब को मेरा सलाम कहना, सेहत याबी के बाद भेजा और पूछा कि उससे पूछो कि सेहत याबी का हाल अच्छा है या पहले जो बीमारी का हाल था जिसमें कीड़े पड़ गए थे, जिस्म गल गया था, वो हाल अच्छा था। अब तो आप सेहत याब हो गए हैं, आपकी स्किन भी बहाल हो गई, आपका रंग भी सुर्ख हो गया, कीड़े भी नहीं हैं, आप तनोमंद सेहतमंद तवाना जवान हो गए हैं, ये हाल अच्छा है या वो पहला हाल अजमैशी हाल अच्छा था जिसमें बीमारी ने आपका उलिया बिगाड़ दिया। फरमाया, जिब्रील, अल्लाह ताला की जात को मेरा भी सलाम कहना और कहना वो जो पहला हाल था बीमारी वाला, वो तंदुरुस्ती के हाल से अच्छा। फरमाया, जब मैं बीमार था तो 24 आवर्स में, 24 घंटों में
اللہ تعالیٰ کی ذات ایک دفعہ خود پوچھتی تھی, او ایوب تم کیسے ہو, او ایوب تم کیسے ہو. تیمارداری بیمار کی جاتی ہے, تندرست کی نہیں کی جاتی. جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹوں میں ایک دفعہ ذات باری تعالیٰ ادبریل تیرے بغیر ڈائریکٹ مجھ سے پوچھتی تھی, او ایوب تم کیسے ہو. اور جب سے میں صحت یاب ہوا ہوں میرے رب نے پوچھنا ہی چھوڑ دیا. تیری ہر جفا عنایت, تیرا ہر ستم کرم ہے. یہ ستم ستم نہیں ہے, کرم کا ہے. تو مصائب و علم میں اپنے قلب کی حفاظت کیا کرو. صبر و رضا اور حق تعالی سے موافقت اختیار کیا کرو. مصیبت میں بے صبری نہ اختیار کیا کرو. مصیبت میں حق تعالی کا گلہ اور شکوہ نہ اختیار کیا کرو. وہ لوگ فیل ہو جاتے ہیں جو مصیبت میں, ازمائش میں, دکھ میں, نقصانات میں, بیماری میں اللہ تعالیٰ کا شکوہ کرتے ہیں, وہ فیل ہو جاتے ہیں. زخم کھا کر آہ کانا نہیں ہے شان درویشی. مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ. مرد بے حوصلہ, کم ہمت, کم ضرب شکوہ شروع کر دیتا. مرد بے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ, ہے بندہ موت کے لیے نشتر تقدیر بھی نوش. وہ اللہ کی تقدیر کے نشتر کو شیری شربت سمجھ کر پی لیتا ہے کہ یہ میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہے. جنہ دکھاں وچ دل پر راضی سکھ ہونا دے والے, دکھ قبول محمد بخشا جے راضی رحمن پیارے. جب کسی کا بچہ فوت ہو جاتا ہے, شوہر فوت ہو جاتا ہے, خاوند فوت ہو جاتا ہے, سے کسی کا کوئی عزیز فوت ہو جاتا ہے, تو چار پائی کے ارد گرد بیٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات فرشتے کو بھیجتی ہے کہ جاؤ جس کا میں نے عزیز فوت کیا ہے واپس لے لیا ہے. لوگ اس کے پاس تعزیت کے لیے آتے ہیں, وہ آگے سے کیا کہتا ہے. تو فرشتے رپورٹ بیک ٹو ہیڈ کوارٹر کہتے ہیں کہ یا اللہ وہ کہتا ہے جیسے میرے رب کی, میں اس کی رضا پر خوش ہوتا ہوں, میں اس کی قضا پر رضا اختیار کرتا ہوں, اس کی رضا میں میں راضی ہوں. وہ لے گیا, میں اس کی رضا پر راضی ہوں. تو جب فرشتہ یہ چیز بیک جا کر رپورٹ کرتا ہے ہیڈ کوارٹر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں, پوچھتے ہیں کہ باری تعالیٰ اے فرشتے وہ کیا کہہ رہا ہے تھے عزیز. کہا یا اللہ وہ تیری رضا پر راضی تھے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات قسم کھا کر اس فرشتے کو گواہ بنا کر کہتی ہے میں نے اس بندے کے لیے جنت میں ایک بیت الحمد بنا لیا ہے. یہ بندہ بات کر ادھر آئے گا کہ بھائی یہ میری رضا پر راضی ہے. دکھ آئے, تکلیف آئے, مصیبت آئے, گاٹا آئے, ڈیتھ آئے, نقصان آئے, اپنی زبان کو شکوے سے فارغ کر کے شکر کی طرف مائل. اور دین کا ایک ایسا گروہ ہے جس پر اللہ تعالی کی ذات مصیبتوں کی بارش کر دیتی ہے, فقط اس لیے کہ یہ میرے مجھ سے سوال تو کرے, یہ سوال ہی نہیں کر رہے, یہ مانگتے ہی کچھ نہیں, رضا پر ہی راضی ہیں. ٹوٹلی اللہ کی رضا پر راضی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان پر مصیبت بھیجتا ہے, تکلیف بھیجتا ہے, دکھ بھیجتا ہے کہ یہ دستے سوال میری طرف بڑھائیں اور میرا جود و کرم جوش میں آ کر ان کا سوال پورا کر دیں. صالحین صدیقین کے درجات کی بلندی کے لیے دکھ تکلیفیں مصیبتیں نقصانات کی بارش ہوتی ہے اور وہ جسم کا دیتا. قیامت کے دن
दो ग्रोहों के जगत में, एक ग्रोह वो होगा जिन्होंने यहाँ बड़े अच्छे काम किए होंगे, गुनाहों से बचे होंगे, वो जन्नत में जाएंगे, और दूसरा ग्रोह वो होगा जिन्होंने इस दुनिया में अच्छे काम भी किए होंगे, गुनाहों से बचे भी होंगे, लेकिन उन पर मुसीबतें, दुख और तकलीफें बहुत ज्यादा आई होंगी और उन्होंने सब्र किया। क़यामत के दिन ये जो दूसरा ग्रोह है जिस पर तकलीफें आई हैं, बीमारियां आई हैं, मुसीबतें आई हैं, नुकसानात आए हैं, दुख आए हैं, इनके दर्जे ये ऊंचे ऊंचे स्टेजों पर खड़े होंगे और इनके दर्जे बहुत चमक रहे होंगे। वो जो दूसरा ग्रोह पहला है जिन पर दुनिया में कोई दुख ही नहीं आया था लेकिन काम उन्होंने अच्छे किए, वो कहेंगे या अल्लाह इनके दर्जे बड़े चमक रहे हैं, हमारे दर्जे इतने चमक नहीं रहे। तो दाद बारी ताला कहेगी हाँ इन पर मैंने दुखों की बारिश की थी, इन्होंने आगे से सब्र अख्तियार किया और आज इनके दर्जे देखने के काबिल हैं। आप लोगों को की तरह मैंने थोड़ी सी तकलीफ भेजी थी, आपने शोर मचा दिया, मैंने तकलीफ को वापस ले लिया, इसलिए दर्जे नहीं चमक रहे। तो मसाइब अलम दुख और तकलीफें ये वो कैप्सूल हैं, ये वो कैप्सूल हैं जिनके अंदर हक तआला की रजा, खुशनूदी और दर्जे बंद किए गए हैं, जिस पर जितने ज्यादा दुख आते हैं और उन्होंने जितना ज्यादा सब्र किया उतना ही उनके दर्जे बुलंद हैं। पैगंबर रहमत अल्लाह ताला के महबूब तरीन हस्ती हैं और हुजूर फरमाते हैं रूहे जमीन पर जितना मैं सताया गया हूँ कोई नबी मुसल इतना नहीं सताया गया जितना मैं सताया गया। रबिया बशरी कहती थी कि या अल्लाह, रावे बशरी कहती थी जिस रोज कोई तकलीफ नहीं आती थी, जिस रोज कोई मुसीबत नहीं आती थी, रावे बशरी कहती थी या अल्लाह शायद तू आज मुझसे नाराज है। जिस रोज तकलीफ आती थी कहती थी मेरा रब मुझसे खुश है। तो अपने जरफों को, अपने विजन को, अपने नजरिए को बुलंद करो, दुखों में सुख अख्तियार करने की आदत पैदा करो, मसाइब व अलम में रब का शुक्र अदा करने की सलाहियत पैदा करो, शिकवे से, नाशुक्री से, गिले से अपनी जुबानों को महफूज रखो, खुदा के मुकर्रब बन जाओगे, खुदा के मुकर्रब बन जाओगे। खुदावन ताला उन दोस्तों पर जिन्हें वो अपना दोस्त दोस्ती के लिए मुंतखब कर लेता है, शेख अब्दुल कादिर जीलानी फतेह रबानी में लिखते हैं कि जब अल्लाह ताला की जात किसी बंदे को अपना दोस्त बनाना चाहती है तो उस पर 40 फिरौन बादली तौर पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, 40 फिरौन, और उनको हुक्म होता है इस बंदे पर जितना जुल्म और सितम कर सकते हो करो, अगर मेरा दोस्त होगा तो कायम रहेगा, कम हिम्मत होगा तो भाग जाएगा। तो अल्लाह के दोस्तों ने जब आए कर बुला हो तो वो हुसैन बन जाते हैं, बहारे मदीना हो तो वो सदीक बन जाते हैं। मोमन की तो इस दुनिया में मौत लगी हुई है, नेमत आए तो शुक्र करके खुदा को लूट लेता है, मुसीबत आए तो सब्र करके खुदा का कुर्ब हासिल कर लेता है। नेमत पर शुक्र अदा करने से नेमत में इजाफा होता है और मुसीबत में सब्र करने से इन्नल्लाह मा साबरीन मैयते इलाही नसीब होती है, खुद अल्लाह का साथ नसीब हो जाता है जो दुखों में सब्र करे, बर्दाश्त करे, जिले से बचे, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। इन्नल्लाह मा साबरीन मैयते इलाही उसको नसीब होता है। सब्र और शुक्र दो हालतें हैं, सब्र और शुक्र दो कैफियतें हैं, हर दो कैफियत में अपना तर्ज अमल
अपने रब की तरफ मुस्बत रखना चाहिए, मखलूक की तरफ मुस्बत रखना चाहिए। हजरत दादा खान बख्श रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुर्शिद अबू अल फजल बिन मोहम्मद हुसैन खतली, अबू अल फजल बिन मोहम्मद हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह, उनके मुर्शिद आखिरी वक्त था और दादा साहब की आगोश में लेटे हुए थे। दादा साहब ने तलखिए जमाना का शिकवा किया कि किबला साईं, जिसे मैंने सुख दिया उसने ही मुझे दुख दिया, जिसके साथ मैंने भलाई की उसने मेरे साथ किबला साईं बुराई की, जिसको मैंने अता किया उसने मुझे महरूम किया, जिसने मुझे जिसको मैंने सुकून दिया उसने मुझे सताया। दादा साहब ये फरमा रहे थे और उनके मुर्शिद अबुल फजल मोहम्मद बिन हसन खतली रहमतुल्लाह अलैह उनके ईरान पर सादत कर लेटे हुए थे और सुनते जा रहे थे। जब दादा साहब खामोश हो गए, फरमाया ओ अली बिन असमान हजवेरी, बेटा मैं आपको एक असूल की बात बताता हूं, अगर वो आपकी समझ में आ गई तो सारी जिंदगी मखलूक का शिकवा ना करोगे, ना रिश्तेदारों का, ना दोस्तों का, ना पड़ोसियों का, ना अपनों का, ना बगैनों का शिकवा नहीं करोगे। तो मैं यस किबला साईं फरमाओ, फरमाया जो कुछ तेरे साथ मखलूक की तरफ से पेश आए उसको कभी मखलूक की तरफ से ना समझना, खालिक की तरफ से समझना। सुभान अल्लाह। अगर चलते चलते तेरे पांव को एक पत्थर से चोट लगे तो पत्थर को बुरा भला ना कहना, चोट उसने लगवाई थी, पत्थर को तो सबब ठहराया है, फायले हकीकी वही है, उसका शिकवा करोगे? फरमाया नेवर नेवर नेवर। दादा साहब फरमाती हैं उसके बाद मैंने सारी जिंदगी कभी किसी का शिकवा नहीं किया, मखलूक का शिकवा खालिक का शिकवा नहीं। टॉलरेंस, बर्दाश्त करो, माफ करो, सब्र करो, शख्सियत अप से अप होती जाएगी, बुलंद से बुलंद होती जाएगी। सब्र जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। तमाम उलल अजम अंबिया की सिफत रही है कि वो सब्र अख्तियार उन्होंने किया। तो जो बंदा जितना साबर होगा दुखों मुसीबतों परेशानियों में उतना आला इंसान निखर कर उभरेगा। और ये वो इनके अंदर वो खजाने हैं, तकलीफों के अंदर मुसीबतों के अंदर वो खजाने, अगर दिल की खुदाई करो तो मुसीबतों के अंदर वो खजाने जो नेमतों के अंदर भी नहीं। मुसीबतें तो अल्लाह के कर्म के बहाने ही निकाले बंदे को अपने करीब करने के, लिहाजा खुदा के करीब होने के लिए दुखों को मुसीबतों को तकलीफों को परेशानियों को रुकावटों को मुखालफतों को अपने सीने से लगाओ और अपने रब की तरफ मजीद बढ़ जाओ, जफा के साथ साथ मुफा बना कर कामयाब इंसान बनकर उभरोगे। वमा लैना इल्ला अल-बलाग। सलाम करिए।